हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, बज रहे हैं शाम को 5 और मैं ये भगवान जी के पर्दा हटा के थोड़ा मुंह धुलूंगी और इसके बाद थोड़ा से कपड़े हैं, आज कपड़े नहीं धुल पाए थे, थोड़ा घर पे आ गए थे गेस्ट तो उसी में रह गए, कपड़े नहीं धुले थे, चादर वगैरह था, तो मैं ये हाथ से तो नहीं धुल सकती, तो मैं मशीन में टॉवल और चादरें सब डाल रही हूँ, तो मैं अब धुल दूंगी। जब तक मेरा घर का काम होगा शाम का, तब तक हो जाएगा ये भी। और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। और फ्रेंड्स, हर शाम को भी झाड़ू लगाना ही चाहिए घर में, पूरे घर में। जब जैसे सुबह हम लगाते हैं ना कि भाई मेट आने से पहले हम, वो आएगी अपना देर सवेर आएगी ही, लेकिन हम पहले झाड़ू लगा लेते हैं, तो शाम का भी ऐसे ही प्रक्रिया होता है कि हम झाड़ू लगा लेते हैं। तो मैं वही झाड़ू लगा रही हूँ घर में। और इसके साथ साथ और बाकी जो काम थोड़ा बहुत हैं, बिस्तर वगैरह बिखरे जा सो तो बिखर ही जाते हैं, तो साथ साथ मैं उसको ठीक करती रहूँगी। तो यही है शाम का काम। और फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो जो बना रही हूँ, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करिए और कैसा बन रहा है ये सब बताइए कमेंट करके। तो मेरा भी देखिए, आप लोग देख ही रहे हो, उतना तो नहीं है, कोई प्रोफेशनल तो मैं नहीं हूँ अभी, तो अभी मेरा स्टार्ट ही हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सहयोग करोगे तो ही हो पाएगा। तो यही है, अपना कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और तो यही, मैं गेस्ट रूम में जहाँ से बैठक है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ वहाँ पे। घर तो मेरा देख ही रहे हैं आप सब, पेंट उजड़ा हुआ बिल्कुल है, सारे पेंट पिछले साल ही करवाए थे पेंट फ्रेंड्स, लेकिन ये पता नहीं क्यों सीलन था कि क्या था, इतना महंगा पेंट करवाओ और उजड़ जाता तो बहुत बुरा लगता है। पिछले साल ही करवाए थे तो ये सारे पता नहीं कैसे उजड़ गए सारे पेंट। अभी साल बोल रही हूँ करवाने के लिए, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा, करवा दीजिए बोल रही हूँ, लेकिन अभी ये नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं अभी पिछले साल ही करवा दिए थे, अभी उजड़ गया तो क्या करूँ, मैं बाद में करवा दूंगा। नहीं तो लगी हूँ कि मतलब थोड़ा जैसे बनाती हूँ ना वीडियो वगैरह तो दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप सब इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। अब मेरे पास भाई यही है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। और फ्रेंड्स, ये शाम को भगवान जी का जो फूल पत्तियां हम सुबह चढ़ाए रहते हैं ना, ये उठा लेते हैं, फिर मंदिर साफ करेंगे, और मंदिर साफ करके फिर हम बनाएंगे चाय। भगवान जी का बर्तन धुल के चाय हम रख दिए हैं, हो रहा है, बर्तन धुल लिया हमने। और ये मैं पूजा की तैयारी कर दी हूँ, तेल बत्ती करके बिल्कुल रेडी कर दी हूँ, दिया सारे 3 दीपक लगाना रहता है ना, 3 जगह भोग लगाना, दीपक जलाना, तो काम रहता है ज्यादा। भोलेनाथ जी को जलाते हैं, लक्ष्मी जी, गणेश जी और तुलसी माता को 3 दीपक लगाते हैं। और चाय भी फ्रेंड्स हमारा रेडी है, ये देखिए मैं लेके जा रही हूँ अम्मा के पास चाय। अब हम सबको चाय दे के आके चाय हम लोग पियेंगे। तो ये हम चाय रख दिए हैं, अम्मा को आवाज दे रहे हैं कि अम्मा आ जाओ चाय पी लो। मेरा, छोटू का और अम्मा का है, छोटू मेरा भांजा है, यहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो हैं। तो फ्रेंड्स, चाय हम लोग पी लिए हैं, अब मैं बर्तन लेके आ गई हूँ, थोड़ा सा कुछ बनाओ तो कितना सारा बर्तन हो जाता है धुलने के लिए, तो मैं बर्तन धुल ली। और ये बोतल में मैं पानी भरती हूँ, हमारा एक्वा गार्ड है तो थोड़ा लेट लगता है, तो इसके साथ साथ मैं पानी भी भर देती हूँ, क्योंकि स्पेशली मुझे नहीं अच्छा लगता है कि खड़े होके कोई काम करें, उस साथ साथ मेरा चलता रहता है, मैं साथ साथ ही सारा काम कर देती हूँ अपना, ये जो भी रहता है घर में ना काम, ये काम पकड़ के नहीं बैठती हूँ, जितना काम होने लगता है कि मतलब जैसे सब्जी छौंक दिए तो कोई काम और कर लिया, और मंदिर में दिया बत्ती कर रही हूँ तो उतना करने के बाद सब तक, और झाड़ू लगानी हो तो चाय रख दिए, इस तरह से मैं काम करती रहती हूँ, ये नहीं कि खाली बैठूँ। तो सारा काम करने के बाद हो गया दिया जलाने का समय, जब हम जोत लगाते हैं भगवान जी को, तो ये हमारा हो गया जोत लगाना। और मैं बाहर के लिए अब 3 दिया रेडी करूंगी और ले जाऊंगी बाहर जलाने के लिए। तो बाहर हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हो रहा है थोड़ा बारिश, तो मैं अंदर ही दिखा रही हूँ आपको, और दिया बाहर करके आ गई हूँ। तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आलू हमने उबाल लिया है, आज मैं बना रही हूँ सिर्फ आलू की सब्जी,
क्योंकि हमारा और अम्मा का कल रहेगा व्रत एकादशी का, कृष्ण पक्ष वाली एकादशी है कल, तो अम्मा का मेरा रहेगा व्रत, तो मैं अभी शाम से ही स्टार्ट हो जाता, शाम क्या एक टाइम से स्टार्ट हो जाता कि हम लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं, चावल नहीं खा सकते हैं, तो मैं अब खाली आलू की सब्जी बनाऊंगी और वही और रोटी सब्जी हम लोग खाएंगे, बाकी आज प्याज कुछ नहीं रहेगा। तो बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपके घर में आपकी मम्मी और बुआ दीदी कोई व्रत रखे तो इस तरह से आप बना सकते हो। एक दिन पहले से एकादशी का नियम स्टार्ट हो जाता है। तो कढ़ाई में हमने 2 चम्मच बड़े चम्मच से तेल डाल दिए थे सरसों का, और उसमें हम डाले थोड़ा सा मेथी दाना, तो एक चुटकी हींग और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिक्स मसाला डाल दिए। जो मसाले ना मैं मिला के रख लेती हूँ, अलग अलग नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा ऐसे रख लेती हूँ, पर जो सुपर किचन पे बनाती हूँ खाना उसमें डालना रहता है, उसमें मैं बना देती हूँ। और हम इसमें डालेंगे एक ये चम्मच, थोड़ा सा कम ही नमक है, आप अपने स्वाद के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हो। 2 टमाटर था, 2 हरी मिर्च, यही हमने इसमें डाला है। और आलू इस तरह हम काटे नहीं हैं चाकू से, ये तोड़ दिए हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ा हुआ, थोड़ा भंडारे वाली सब्जी लगती है तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भंडारे जैसे सादा भोजन बन रहा है। तो बिना लहसुन प्याज बिना ऐसे बिल्कुल सादा सा सब्जी, और बारिश के कारण थोड़ा धनिया पत्ती भी नहीं मिल रहे हैं, कोई अगर नहीं पड़ रहा लहसुन प्याज तो धनिया पत्ती पड़ जाता है तो देखने में बहुत प्यारा दिखने लगता है, पर 2 दिन से शाम को बारिश होने लग रहा है तो नहीं आ पाया है। बाकी सब्जियां थी, धनिया पत्ती नहीं था, तो सब्जी भी हमारा लगभग रेडी हो गया है, और माँ भी दूध लेके आ गई है, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि खाना खाएंगे, क्योंकि तो जब दूध लेके आते हैं ना 7:30 बजे तभी वो खाना उनको मिल जाना चाहिए। फिर भी अभी तो आज जल्दी है, 7 ही बज रहे हैं, अम्मा भी आ गई हैं, और मैं दूध भी रख दूंगी, हो जाएगा इसी के साथ साथ दूध भी उबल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। और मुझे थोड़ा ना फ्रेंड्स रिकॉर्डिंग करना है गाने का, अपलोड के लिए कोई गाना नहीं है तो मैं वो करूंगी। और मेरा बीपी लो था ना, तो ये पीने के लिए ले आए थे, तो इसमें चींटियां लग रही थी, मैंने सोचा चलो अच्छा रख देती हूँ इसे, मैं डब्बे में दे दिखा रही थी आपको कि देखिए ये मेरा बीपी बहुत लो होता है, बहुत परेशानी होती है इससे, तो यही है, मैं वही इसको मैं पीऊंगी घोल बना के इस तरह से, यही थोड़ा हम सोचे ना थोड़ा फ्लेवर वाला रहेगा, सादा वाला बिल्कुल दवा जैसे लगता है ना, तो नहीं मजा आता है पीने में, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ये थोड़ा स्वाद लगता है ऑरेंज रहता है ना। और ये मैं रोटी बना रही हूँ, पहले रोटी बना के ना अम्मा को खाना दे आऊंगी, फिर बाकी बनाती रहूंगी। और जो रोटी हम निकालते हैं सब्जी रोटी निकाल के रख देते हैं पहले से, एक रोटी सब्जी 1 गिलास पानी निकाल के हम रख देते हैं, रात भर ऐसे ही रहता है, सुबह गाय माता को देते हैं, और सुबह तो जो निकालते हैं वो तो गाय माता को तुरंत दिया जाता है, लेकिन शाम का रात भर ऐसे रहता है। अब हम अम्मा को दे आएंगे खाना, तो बने रहने के लिए धन्यवाद।